तो मम्मी अभी फिर से अचानक क्या काम पड़ गया आपके मायके में, दोबारा जाना पड़ रहा है आपको। तो इस पे अमरूद पक रखे हैं, अगर किसी को भी खाने होंगे तो वह आ सकते हैं। तो चाचा ने ये अचार तैयार कर दिया है। चाचा ऐसा नहीं, जो ये मडुआ है हमने पक के इसको काट दिया था और चूट उट भी लिया, तो अब है समय इनको जो ये मडुए का झाड़ है इसको काटने का। यार सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अंजलि और स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के अल्मोड़े जिले से, छोटे से गांव चौड़ा से। तो दोस्तों अभी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है आज 8 बजे से और नज़ारा कुछ इस तरीके का है। मॉर्निंग धूप भी आ चुकी है हल्की फुल्की, ये देखिए। दोस्तों आज मम्मी और पापा दोनों जा रहे हैं, मम्मी जा रही है अपने मायके, पापा जा रहे अपने ससुराल। तो वहाँ पे कुछ काम है तो मम्मी पापा जा रहे हैं वहाँ, तो दिखाती हूँ मैं भी आपको। तो इस पे अमरूद पक रखे हैं, अगर किसी को भी खाने होंगे तो वह आ सकते हैं। तो मम्मी तोड़ रहे हैं अभी अमरूद जो पके पके हो रखे हैं और तोड़ के आ भी गए आज जा रहे हैं। मैंने बताया था जैसे कि अभी कि मम्मी पापा और भाई जा रहे हैं, भाई उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं मम्मी के मामा के। तो अभी दिखाती हूँ मैं भाई को, दिखाती हूँ पहले। हेलो करो दा। हेलो। तो आ कथी है रे दौड़? मैं अपना ननिहाल जा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी कुछ विशेष काम से जा रहे हो? मामा मामी आ रखे हैं। अच्छा, उनको लेके मिलने जा रहे हैं। अच्छा, तो भाई जा रहे हैं गाड़ी से ही, मम्मी उनको लेके जाएंगे अभी। और अब मिलाती हूँ मम्मी से, मम्मी से पूछते कि वो किस लिए जा रहे हैं आज फिर से दोबारा मायके, क्योंकि बीच में ही गए थे 1 महीने पहले ही और फिर से अभी जाना हो रहा है उनका। क्योंकि बताऊँगी अभी थोड़ी देर में क्या काम है, पहले मम्मी से पूछ लेते हैं। मम्मी अभी फिर से क्या काम पड़ गया मायके में, आप दोबारा जा रहे हो? अभी फिर अभी पहले ही गए थे थोड़े दिन पहले, मेरे वो भाइयों ने बुलाया है मेरे को, मेरे मम्मी पापा का श्राद्ध है, कितने सालों में कर रहे हैं घर में वो, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बुलाया वहाँ। और मेरे भाई की तबीयत भी ख़राब हो रही थी पहले, अब ठीक हो गई इसलिए वो घर आए हैं और तब मैं जा रही हूँ। वैसे तो जो आज मम्मी के जो मम्मी पापा हैं उनका श्राद्ध है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले गुजर चुके थे तो उनका श्राद्ध है। तो मामा का फ़ोन आया था परसों कि तुम आना करके, तो इसीलिए मम्मी अभी जा रही है। और मेन रीज़न ये है कि मेरे जो बड़े वाले मामा हैं, मम्मी के बड़े वाले भैया, सबसे बड़े वाले, तो उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। वो गाँव आए थे ना बीच में, जब पिछली बार मम्मी मायके गई थी तो अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा हल्द्वानी में। तो चेकअप वेकअप कराने के बाद पता चला कि उनको, पहले तो पता ही नहीं चला कि क्या बीमारी है करके, फिर 10-15 दिन बाद पता चला कि उनको तो डेंगू हो रखा है। तो अभी वो फाइनली इलाज हो गया उनका और अभी ठीक हो गए हैं, तो वो अभी फिर से घर आ रखे हैं। तो मम्मी उनकी खबर लेने वहाँ जा रहे हैं और साथ में पापा भी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक हो गई है, खबर लेने तो जाना ही होता है, तो इसीलिए दोनों जा रहे हैं। तो मम्मी पापा भी अब जा रहे हैं और आएंगे शाम को ही 3 बजे से पहले या 3 बजे के आसपास। तो मम्मी पापा जा रहे हैं इसीलिए बहुत रो रहा है अभी। तो ये रो रहा है, दादा दादी जा रहे हैं घर के। तो ये रो रहा है, कैसा बना रहा सड़ा सा मुंह। तो अभी हो रहे दिन के 12:30 और खाना वाना भी बन चुका है। तो आज मैंने पुलाव बना रखे खाने में,
क्योंकि मम्मी और पापा घर पे हैं नहीं और वो वहाँ गए हुए हैं। तो मम्मी के ना चार भाई हैं और चार ही चार बाहर ही रहते हैं, तो घर पे नहीं रहते हैं। तो अभी वो रिटायर हो चुके हैं और अब उनका निर्णय है कि वो गांव में ही रहेंगे, अपना बाकी का समय गांव में ही बिताएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक अलग ही खुशी होती है, तो वो गाँव में ही अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो मामा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तो वो हल्द्वानी उनको जाना पड़ा, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहाँ बाद में पता चला कि उनको डेंगू था, तो अभी वो ठीक होके गांव आ रखे हैं। इसीलिए मम्मी और पापा दोनों उनकी खबर लेने भी गए हुए हैं। तो अभी हो रहा है टाइम दिन के 3 बजने वाले, मतलब मम्मी लोग तो अभी आए नहीं हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि चाचा बना रहे हैं मिर्च का अचार, तो कैसे बना रहे जरा देखते हैं। तो ये चाचा बना रहे हैं मिर्च का अचार। चाचा कैसे बनाया आपने ये, क्या कर रहे हो आप? ये मिर्च को काटा, चीरा मारा, उसमें मसाला गरम तेल करके मसाला तैयार किया, मसाला उसके अंदर डाल के उसको तैयार कर। तो आपने पहले इसको काटा और उसके बाद इसमें मसाला भर रहे हो? मसाले में क्या क्या डाला आपने? मसाला ये बना हुआ आया था। अच्छा, तो तेल को डाला उसमें? तेल गरम करके ठंडा करने के बाद मसाले में मिक्स कर दिया। अच्छा, तो ये मसाला कर रखा है मिक्स। तो ये देखिए इसमें पहले कट मार चुके हैं, ये देखिए कट मार के, ये कट मार दिया, इसमें मसाला भरना है। फिर मसाला भर दिया। गुड़िया और सरांश भी आने वाले हैं स्कूल से, तो आज मम्मी सरांश और गुड़िया को भी नहीं लेके गई अपने साथ, क्योंकि उनका स्कूल था और स्कूल की छुट्टी करना सही नहीं है। एक दिन का पढ़ाया हुआ दूसरे दिन नहीं पढ़ाया जाता ना, तो इसीलिए हमने उनको स्कूल भेज दिया, क्योंकि उनका स्कूल जाना ज़रूरी था। और अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, और साथ में मम्मी लोग भी आ जाएंगे अभी, और भाभी अभी सो रखा है। और अभी मैं कहीं जा भी नहीं सकती क्योंकि भाव है घर पे और मम्मी लोग भी नहीं हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आ गई हैं वहाँ से और आते ही पी रहे हैं चाय। और मम्मी कैसे हैं, मामा मतलब आपके भाई ठीक हैं? हाँ ठीक है। अच्छा, उनकी तबीयत ठीक होगी अब? सारे लोग ठीक होंगे वहाँ? बढ़िया है। जल्दी आ गए आप? रसोई का काम हो रहा है, मेरे बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, इसलिए जल्दी आ गई मैं। अब जा रहे बच्चों को लेने के लिए। ये देखो इनके लिए मम्मी वहाँ से जल्दी आ गई है। हेलो शुरू। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं 3:30 और मम्मी लोग भी आ चुके हैं, मैंने दिखाई दिया है। और अभी बैठ रखी हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठने का रीज़न ये है कि यहाँ पे हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो यहाँ पे ये चेयर लगा रखी है, ये चेयर में, तो यहाँ पे ये चेयर इसलिए लगा रखी है क्योंकि अभी गर्मी के दिन में जब गर्मी होती है तो यहाँ पे ना हवा चलती है खूब अच्छी सी, तो सभी लोग यहाँ पे बैठने के लिए आते हैं, तो इसीलिए ये कुर्सी लगा रखी है ताकि यहाँ पे लोग बैठ सकें। चाचा ने अचार बना भी दिया है और तैयार हो गया बिल्कुल, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है बहुत। तो चाचा अचार बनाने में कितना टाइम लग गया? बनाने में 2 घंटा। अचार बनाने में 2 घंटा लग गया चाचा को, और बहुत मेहनत लगती है छोटे 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 कामों। अचार बन के तैयार 3 दिन के बाद खाने लायक हो जाएगा। हाँ। हेलो दोस्तों, तो अभी हो रहे हैं टाइम 5:00, तो अब हो रखा है समय जो ये मडुआ है हमने पक के इसको काट दिया था और चूर चूर भी लिया, तो अब है समय इनको जो ये मडुए का झाड़ है इसको काटने का, यानी कि हमारे पहाड़ में इसको बोलते हैं नऊ, तो नऊ बोलते हैं इसको, तो इसको काटना होता है। तो ये नऊ है इसको काटना है अभी, ये देख सकते हैं आप मडुए के पकने के बाद जब इसमें से ये कट जाता है तो उसके बाद ये इसको लवाना होता है यानी कि काटना होता है। तो मैं आ गई हूँ अभी मडुआ काट के घर, यानी कि नऊ काट के घर आ चुकी हूँ,
और अब बनाती हूँ सब्जी। और सब्जी में आज बना रही हूँ लौकी का भाई तुम्हड़। तो मैं दिखाती हूँ कि तुम्हड़ होता क्या है करके। तो आज उसी की सब्जी बनेगी। नाम भी क्या होते हैं यार ये सब्जियों के, भी नाम भी पता नहीं अजीब अजीब से। दादी ही क्या करनी तुम्हड़ा। तो ये है तुम्हड़ा। तुम्हड़ा बोलते हैं इसको हमारे पहाड़ी भाषा में, मतलब सब्जियों के नाम ही क्या क्या होते हैं। तो ये है पहाड़ी तुम्हड़ा, तुम्हड़ बोलते हैं इसको, लौकी का दूसरा रूप। तो इसकी सब्जी बनेगी आज। और ये लेके आए हैं भाई ककड़ी, यानी कि खीरा बोलते हैं इसको। तो ये मैंने दिखा दिया, अब काटती हूँ सब्जी। ये सब्जी बन रही है, इसको देखने के लिए इतने सारे लोग बैठे थे। देखो अब के कण हो, अब ककड़ी इसके साथ काटी जाएगी सब्जी में। अब देखो नई सब्जी इसको सलाद के लिए चखना आ गया। हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय।